नमस्कार दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आया पीएचडी एडमिशन 2021-22 के लिए एक स्टेट यूनिवर्सिटी से। स्टेट यूनिवर्सिटी कहने का मतलब फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर, अगर आपका नेट क्वालिफाई आपने किया हुआ है, सेट क्वालिफाई किया हुआ है या जेआरएफ आप क्वालिफाइड है, तो यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम से जो है छूट मिलेगी। बाकी जो कैंडिडेट केवल मास्टर डिग्री है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उनको प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्ज़ाम जो PAT PhD जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके माध्यम से जो है एडमिशन दिया जाएगा। काफ़ी सारे सब्जेक्ट है, काफ़ी अच्छी ये यूनिवर्सिटी है, तो इस वीडियो में एक संपूर्ण जानकारी जो है इसके बारे में हम देने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ घंटी वाला बटन दबाना ना भूले। दोस्तों आपका बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए जो है मैं बार बार आपको जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे द्वारा दी गई ऑथेंटिकेटेड और सटीक जानकारी जो है आपके बहुत काम आ रही है। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन फॉर प्री PhD रजिस्ट्रेशन टेस्ट 2021, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जिन्होंने नेट सेट क्वालिफाइड है उनको यहाँ पर एंट्रेंस रिटन एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। नीड नॉट टू अपीयर इन रिटन एग्जाम, लेकिन उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है आप ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं UGC नेट, CSIR नेट, गेट, MHRD स्कॉलरशिप, टीचर फेलोशिप, DBT, CMR, ICAR, DST इंस्पायर, CSSIR, ICHR को ऑनलाइन फॉर्म भरने की आवश्यकता है, लेकिन इनको जो है एंट्रेंस एग्जाम से छूट यहाँ पर दी जाएगी जितने भी ये यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कहाँ से जो है ये नोटिफिकेशन आया है। उससे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट देख लेते हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज़ है। अब ह्यूमैनिटीज़ के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, साइंस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे ही सोशल साइंस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में जो है यहाँ पर जो है PhD अवेलेबल है, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं कहाँ से जो है ये नोटिफिकेशन आया है। मगध यूनिवर्सिटी बोधगया बिहार, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी को आप चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ये स्टेट यूनिवर्सिटी का कॉलम मैंने खोला हुआ है, यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पे जो है स्टेट वाइज आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे मगध यूनिवर्सिटी है ऑफिशियल वेबसाइट ये एड्रेस, तो ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, हमने इसको वेरीफाई कर लिया यूनिवर्सिटी UGC ग्रांट कमीशन की, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मगध विश्वविद्यालय बोधगया बिहार में है, इससे जो है यहाँ पर अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन की 5 जुलाई 2021 है। इसकी डेट जो है पहले निकली हुई थी, इसको एक्सटेंड कर दिया गया ड्यू टू COVID-19, तो अभी आप 5 जुलाई 2021 से पहले आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपकी मास्टर डिग्री जो है 55% अंकों के साथ होनी चाहिए। 5% की छूट यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिलेयर एंड जो दिव्यांगजन है और वुमेन्स कैंडिडेट्स है, तो उनके मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ संबंधित सब्जेक्ट में जो है होनी चाहिए, ठीक है। एग्जेम्पशन फ्रॉम रिटन एग्जाम किस किस को दिया जाएगा, वो कैंडिडेट जिन्होंने UGC नेट, CSIR नेट, गेट, MHRD स्कॉलरशिप, टीचर फेलोशिप, DBT, ये सारी चीज़ें हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जो यहाँ पे टीचिंग डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी के काम कर रहे हैं, नॉन टीचिंग एम्प्लॉय जो यहाँ पर जो है 5 सालों से जो है अपॉइंटमेंट उनका हो रखा है, वो भी यहाँ पर जो है एंट्रेंस एग्जाम से उनको छूट दी जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर यहाँ पे आप देख सकते हैं, मास्टर डिग्री वालों का केवल यहाँ पे जिनका नेट सेट गेट क्वालिफाई नहीं है उनको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से एडमिशन मिलेगा। एंट्रेंस एग्जाम में 2 पेपर होंगे 100-100 अंकों के। पेपर वन में आपके जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और पेपर टू सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है जो संबंधित सब्जेक्ट में होगा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का। इंटरव्यू 20 अंकों का होगा एंड जो पेपर वन होगा वो जर्नल एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का होगा, ठीक है। सिलेबस में आपको लिंक बता दूंगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग 50% जो एग्रीगेट मार्क होने चाहिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये आपका ड्यूरेशन रहेगा एंड यहाँ पे जो है ये आपका पेपर वन पेपर टू का ये जो है टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन है। शेड्यूल्ड जो है ये पुराना दिया हो गया है, लेकिन आप इसकी चिंता मत करिए, यही सेम चीज़ रहेगी, ठीक है। तो ये सारा आपका जो है सिलेबस रहने वाला है पेपर वन के लिए। पेपर टू के लिए आपका जो है जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर जो है सिलेबस जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे डाउनलोड PhD सिलेबस ह्यूमैनिटीज साइंस। अब हम देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में यहाँ पे जो है ये ऑनलाइन फॉर्म है। यहाँ पे हम जैसे हमें सब्जेक्ट चेक करने हैं तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे ह्यूमैनिटीज़ में मैं देखता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो ह्यूमैनिटीज़ में हिंदी है, इंग्लिश में है, संस्कृत, उर्दू, पर्शियन, प्राकृत, मगधी, मगाही, फिलोसफी एंड पाली,
तो ये ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है। सोशल साइंस के सब्जेक्ट जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, LSW, एंशियंट इंडियन एशियन स्टडीज़, पब्लिक एडमी, बुद्धिस्ट स्टडीज़, वुमेन्स स्टडीज़ एंड म्यूजिक। ऐसे ही हम साइंस में अगर चेक करते हैं तो साइंस में यहाँ पर जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, बायो केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, MCA, MSc, IT एंड कंप्यूटर साइंस। ऐसे ही हम कॉमर्स में चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कॉमर्स में आप MBA, MRDM, कॉमर्स। ऐसे ही हम यहाँ पर एजुकेशन में चेक कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, MEd, MA इन एजुकेशन ये अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट हमने चेक कर लिए। अब यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं कि आपका सिलेक्ट चॉइस ऑफ सेंटर क्या रहेगा, गया, बिहार में ही जो है आपका ये सेंटर रहेगा। तो यहाँ पे जो है अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर जो है आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है आपके जो है मन में जो है बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज या व्हाट्सएप, जो हमारा ऑफिशियल जो व्हाट्सएप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए, धन्यवाद।